हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हो गार्डनिंग यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे समर वेजिटेबल्स के ऊपर। इससे पहले मैंने आप लोग शायद एक वीडियो बना के शेयर करी जिसमें मैंने तरह तरह की वेजिटेबल की सीडलिंग करना बताया था। मैंने बैगन की सीडलिंग करी थी, लौकी की सीडलिंग करी थी, करेले की सीडलिंग और खीरे की सीडलिंग करके मैंने आप लोग को बताया था, पूरी डिटेल में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इधर पे या इधर पे साइड में एक लिंक आ रहा होगा, उस पे आप लोग क्लिक करिए, डायरेक्ट उस वीडियो पे आप लोग पहुंच जाएंगे। तो आज मैं आप लोग बताऊंगा, हम लोगों ने लौकी की सीडलिंग करी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर गई थी। ये देखिए, मैं दिखाऊं, अरे ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से, ये लगभग 30 दिन की सीडलिंग हो गई है और देख रहे होंगे काफ़ी लंबी हो गई है। देखिए, मैं हाथ से आइडिया दिखाऊँ, काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब हम लोग इसको ट्रांसप्लांट करें, यानी बड़े बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे, जिससे इसकी ग्रोथ और तेज़ी से हो सके। रूट्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप कर रही है, देखिए इसकी रूट्स आप देख रहे होंगे, इसकी भी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी रूट्स डेवलप कर रही है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि लौकी को हम लोगों को किस तरीके से ग्रो करना है, कैसी मिट्टी तैयार करनी है, कैसे ग्रो बैग में लगाना है, क्या साइज़ में लगाना है, और पॉट में या ग्रो बैग किसी चीज़ में आप लोग किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग से इसी वीडियो में शेयर करूँगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप हम लोग चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा वीडियो पसंद है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम लोग अपने लौकी के पौधे को इस ग्रो बैग में लगाएंगे। ये हम लोग के 16 इंच के ग्रो बैग हैं। मैंने मिट्टी भर के बिल्कुल अच्छे से बैग तैयार कर लिया, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने मिट्टी तैयार करी। ये हम लोगों ने बालू मिट्टी तैयार करी, यानी इसमें हम लोगों ने 30% बालू का इस्तेमाल किया और 30% ही हम लोगों ने गार्डन सॉइल मिलाई है। मैं आप लोगों को पास से दिखाऊँ मिट्टी, आप लोग ये देखिए देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को बालू दिख रही होगी। और इसमें हम लोगों ने 40% गाय का गोबर इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने पूरी तरह डिकम्पोज करा हुआ गाय का गोबर मिलाया है, एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को मिला के फिर मैंने इस ग्रो बैग में भर लिया। ऊपर से आप लोग देख रहे होंगे, ये ग्रो बैग काफ़ी हद तक मैंने खाली रखा है, लगभग एक हाथ इसको खाली रखा है, क्योंकि जब हम लोग इसमें अपना पौधा लगा देंगे फिर बाद में जो फर्टिलाइज़र देने होते हैं वो इसमें जगह में हम लोग इसमें फर्टिलाइज़र दे सकेंगे आराम से, हम लोग को गुड़ाई वगैरह ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को मिट्टी तैयार करनी है, और कम से कम आप लोगों को 16 या 14 इंच का गमला लेना होगा। गमला या ग्रो बैग आप किसी चीज़ में भी ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले भी जब मैंने लौकी ग्रो की तो लोहे का ड्रम था ख़राब, उसमें मैंने ग्रो करी थी। तो ये तो रही बात मिट्टी की, हम लोगों को मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी। इसमें हम लोगों ने किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया, ना मिट्टी में मिलाया ना ही हम लोग इसमें किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। मैं जितने भी वेजिटेबल वाले या फ्रूट वाले पौधे होते हैं उनमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। तो अब हम लोग को करना है क्या कि इसमें हम लोगों को एक ग्रो बैग में एक ही लौकी का पौधा लगाइएगा। जैसे अगर आप इतने बड़े ग्रो बैग में करेले का पौधा लगा रहे हो तो आप लोग इसमें दो करेले का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन लौकी को काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है तो इसमें एक में सिर्फ एक ही पौधा लगेगा। तो मैंने आप लोग को पहले बताया गिलास में लौकी लगाने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, आसानी से इसमें निकल आता है। अब मैं करूँगा इसको, देखिए नीचे से इस तरीके से हल्का हल्का सा हम लोगों को दबाना होगा और ऊपर हम लोगों का पौधा बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अगर इसको आप लोग डायरेक्ट गमले में भी लगा सकते हैं, यानी इसी में बीज लगा सकते हैं, उसमें थोड़ा जर्मिनेशन के चांसेस दिक्कत करते हैं, इसलिए ग्लास में इस तरीके से ग्रो कर लेना चाहिए पौधा। आप लोग देखा होगा इस ग्लास से काफ़ी आसानी से एकदम निकल आया, इसलिए मैं आप लोग रिकमेंड करता हूँ आप लोग हमेशा ग्लास में ही सीडलिंग करा करिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, सेंटर पर गड्ढा करना और हम लोग को कम से कम इतना नीचे लौकी दबा देनी है, यानी मिट्टी एकदम अच्छे से इसको दबा देनी है। तो जल्दी से मैं इसको खोदता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से गड्ढा खोल लिया, एक ग्लास लगभग इतना गड्ढा खोद दिया। अब इसमें हम लोगों को बहुत ही सावधानी से अपने पौधे को लगा देना है, एकदम आराम से लगाना है, इस तरीके से सेंटर पे रख के धीरे से और मिट्टी से इसको कवर कर देना है, बस इस तरीके से रखना और ऊपर से मिट्टी से इस तरीके से इसको ढक देना। और बस हम लोगों का ये लौकी का पौधा लग गया। सेम इसी तरीके से मैं ये वाले पौधे को भी इसमें लगा दूंगा, ये देखिए ये वाले पौधे को इसमें लगा दूंगा। और साथ में हम लोगों को एक सपोर्ट स्टिक लगानी होगी, यानी कम से कम 1.5 फुट के इसमें एक सपोर्ट स्टिक लगानी होगी, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों को एक लंबे से स्टिक लेनी है, लगभग 2-3 फुट के स्टिक है, और साथ में पेड़ से थोड़ा सा दूर हम लोगों को इस तरीके से इसमें गाड़ देना है, और हम लोगों को अपने पेड़ को इसमें टाई अप कर देना है। आप चाहे इसको रस्सी से बांध भी सकते हैं, नहीं तो जब पेड़ थोड़ा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली इसका सपोर्ट ले लेगा। इसको हम लोगों को लगभग 1.5 फुट तक ही बड़ा होने देना, उसके बाद इसमें हम लोग 3G कटिंग करेंगे। इसके ऊपर मैं आप लोग शायद एक सेपरेट वीडियो बना के शेयर करूँगा कैसे हम लोग को 3G कटिंग करने, 3G कटिंग करने से फ़ायदा क्या क्या होता है, उससे हम लोग के पौधे ग्रोथ में क्या इंप्रूवमेंट होती है या फ्रूटिंग में क्या इंप्रूवमेंट होती है, पूरा एक डिटेल वीडियो मैं आप लोग के लिए बना के उस पर शेयर करूँगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।
तो अभी के लिए हम लोग को सिर्फ इतना करना है कि इस तरीके से अपने पौधे को लगा देना और अच्छे से इसको वॉटरिंग करनी, थोड़ी सी केयर करनी, जब हम लोग का पौधा थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम लोग 3G कटिंग करेंगे। तो मैं आप लोग को और चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप लोग ये देख रहे होंगे इसमें थोड़े निशान दिख रहे होंगे आप लोग को पत्तियों में, ये वाले पौधे में भी देखिए, एक ये पत्ती में कीड़ा लग जाता है, वो अंदर ही अंदर पत्ती खा जाता है। तो हम लोग को करना क्या है कि अभी पौधे को थोड़ा बड़ा होने देना है, फिर उसके बाद यहाँ से वाली पत्ती हम लोग को कट करके हटा देनी होगी। अगर आपके पौधे में भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग को इन्फेक्टेड पत्ती को हटा दीजिएगा। अभी मैं फ़ौरन इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि इसमें 2-3 पत्तियाँ, अगर अभी मैं इसको काट देता हूँ हो सकता है हम लोग का पौधा ख़राब हो जाए, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद मैं इस पत्ती को भी हटा दूँगा। ये जो लौकी के पौधे के लिए हम लोगों ने मिट्टी तैयार करी, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने बालू मिलाई है। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इसकी जो रूट्स होंगी बालू होने की वजह से काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएंगी और अच्छे से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगी। तो आप किसी भी पौधे को लगाइए, अगर आप उसकी मिट्टी में बालू मिलाते हैं तो पौधे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, आप लोग जब भी वेजिटेबल्स के लिए मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें बालू का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग को अपने पौधे को बिल्कुल सीधे धूप में नहीं रखना है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग देखा होगा, मैं ग्रीन नेट के नीचे खड़ा था, तो अभी मैं कुछ समय तक इन पौधों को ग्रीन नेट के नीचे ही रखूँगा, फिर धीरे धीरे इनको धूप में शिफ्ट करूँगा जब ये पौधे इस मिट्टी में सेटल हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने इस ग्लास से निकाल के इसको डायरेक्ट लगा दिया, तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना, उसके बाद इसको डायरेक्ट धूप में शिफ्ट करना रहेगा। और वाटरिंग करते समय हम लोग को ध्यान देना है, इसको हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट में पानी देना है, इतना पानी देना रहेगा नीचे जो इसमें ड्रेनेज होल होते हैं ग्रो बैग में, वहाँ से इसका पानी निकलने लगे। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इसको अभी धूप में शिफ्ट ना करिएगा। अगर आपकी सीडलिंग पहले से ही धूप में थी तो आप लोग इसको डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। मेरे ये जो लौकी के पौधे थे इनको मैंने पहले ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था, तो मैं इनको धीरे धीरे धूप में इंट्रोड्यूस करूँगा, तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बस अभी हम लोग को सिर्फ इतना सा काम करना, हम लोगों को अपने लौकी पौधे को इस तरीके से लगा देना। मैं आप लोगों को टाइम टाइम पे अपडेट शेयर करता रहूँगा कि और हम लोगों को कौन कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने, कैसे कैसे अपने लौकी पौधे केयर करने, जिससे आगे आने वाले सीजन हम लोग के पौधे के ऊपर बहुत सारी लौकी लगे। तो जैसे जैसे मैंने आप लोग को बताया, सेम इसी तरीके से आप लोग अपने लौकी के पौधे को लगाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, एक बार जरूर शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो सीडलिंग वाला वीडियो था यहाँ पर बगल में सीडलिंग वाला वीडियो आ रहा है और साथ में कुछ और वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो से, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा।